रात में आया था 9-10 आदमी, कट्टा लेके आया था, बंदूक लेके आया था, और सोए में घर में एंट्री किया है छबर वाली तरफ के। उसके बाद हम लोगों को बांध दिया है, बांधने के बाद बंदूक सटा के बोलता है घर सब खुलवाओ। फिर वो जाते वक्त इतना कह के गए जो क्या कहते हैं। शुक्रवार की देर रात मधवापुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में वार्ड नंबर 10 स्थित पूर्व पैक्स अध्यक्ष भागीरथ झा के घर में अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के दम पर घर के लोगों को बंधक बनाकर नकद गहने जेवरात सहित लाखों की डकैती को अंजाम दिया। घटना देर रात लगभग 1 बजे की बताई जा रही है, जब 10 से 12 की संख्या में रहे अपराधियों ने एक साथ बगीचे के रास्ते घर के पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही बारी बारी से परिजनों के कमरों में जाकर उन्हें कब्जे में लेकर सभी कमरों के गोदरेज व लॉकर को तोड़कर लूटपाट शुरू कर दी। रात में आया था 9-10 आदमी, कट्टा लेके आया था, बंदूक लेके आया था, और सोए में घर में एंट्री किया है छबर वाली तरफ के। उसके बाद हम लोगों को बांध दिया है, बांधने के बाद बंदूक सटा के बोलता है घर सब खुलवाओ, घर खुलवा दिए। उसके बाद सब सामान सब ले गया, चोरी वोरी किया, मारपीट बोले एक दो बार तो हाथ साथ चलाया, उसके बाद नहीं कुछ किया। अच्छा, घटना लगभग कितने बजे की है? 1:45 बजे। 1:45 बजे वो लोग प्रवेश कर गए थे। हाँ, वो 12:30 बजे एंट्री था, हमको पता लगा 1:45 में। अच्छा, वो लोग घुसे तो सबसे पहले आपको ही बंधक बनाया? नहीं, वो लोग पहले सब घर में एंट्री करके छानबीन कर रहे थे, तब लास्ट में हमारे घर में पहुंचे। अच्छा, उससे पहले सब घरों में घुस? जी, घर में अपना सहनाश करके सब कुछ तोड़ फाड़ के ले लिया, सामान वगैरह देख रहे थे। उसके बाद भाभी के रूम नहीं खुल रहा था, तो तब हमको बंदूक सटा के और बांध के बोला बोलना नहीं है और तुम केवाई खुलवाओ। तो भाभी भी नहीं खोल रहा था, जब भाभी देखा है बंदूक लगा है तब उनको भी खोल जाकर ले जाओ सामान, ले जाओ, मैं उसको जान बचा। अच्छा, तो मतलब आपको भी आपका सुन रहे हैं हाथ पांव बांध दिया जी, था? जी, बांध रहा था, हम बोले तो मुंह बांध दिया मेरा। अच्छा, और हमारे को एक पिस्तौल रखा हुआ था, वो सटा के दिया, ले गया। सब था, वो चड्ढी गंजी पहना हुआ था, सब अपना कपड़ा इस पीछे में बना हुआ था, खोसा हुआ था टोटल कपड़ा, और बांस का फट्टा फट्टा नया नया था। देखिए, अब बम सब बनाया है, सब देखे ही हैं, सब वही सब बम वम सब व्यवस्था था, पूरा टारगेट में था वो। उसको हम लोग मतलब कोई समाज कुछ होता तब ना उसका एंट्री, मतलब बम फम फोड़ने का काम होता उसको, लेकिन बम मारा नहीं उसका कोई शांति हुआ ना, उसको डिस्टर्ब करते तब ना कुछ हो पाता, वो तो शांति में उसको मिल गया सब कुछ। अच्छा, कोई था घटना लगभग कितने देर तक वो लोग घटना को अंजाम दिए हैं? वो 35 मिनट लगभग 35 मिनट से, हाँ 35 मिनट से ऊपर ही हुआ होगा। अच्छा, घटना को अंजाम देने के बाद वो लोग किधर से फिर बाहर? जिधर से एंट्री हुआ था उसी रास्ते से वो लोग बाहर, हम लोगों का किल्ली लगा दिया आगे से जब जाने लगा, तो उसके बाद फिर आपका हाथ कौन खोला? खाल हम भाभी माँ को हल्ला किए, भाभी तो बोला नहीं, तो फिर माँ यहाँ से जाके गया कि चंदन कुछ हो गया क्या, तब माँ गया तो घर पे खुलवाए, घर खोल डकैती हो गया है, तब माँ जगा, तब तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पता ही नहीं था, वो लोग इधर थे। हाँ, इधर थे, समझ में नहीं आया, तो फिर हाथ खोला, फिर मुँह खोले गमछी का, तब मुँह तो ऐसे ही हम हल्का दिए, तब हल्ला किए कि डकैती हो गया। तब तक पिताजी थाना को फोन किए, तब वहाँ नहीं बात हुआ, तो हम बाइक लिए तो थाना गए। अच्छा। थाना में बराबर को बोले कि रामपुर में हमारे घर पर डकैती हो गया है, अभी जस्ट इंटरव्यू कीजिएगा तो आपको उस रास्ते से मुआयना हो जाएगा, मगर इन लोगों का कुछ नहीं है। वहाँ से बराबर को बोलता है कि आप जाओ, हम भेज देते हैं, आपका गश्ती में है, भेज देते हैं। तब हम फोन किए तो बताया कि अब रामपुर भी है तो बता दिया, पापा का नाम ही नहीं हमको याद लगा, तो हम बउआ गए तो इधर उधर चले गए, तो उनका आना 2 बजे हुआ है, उसके बाद देखे। अच्छा, कितने की संख्या में रहे होंगे अपराधी? 9 आदमी हमारे एंट्री था घर के अंदर में। अच्छा, वो लोग क्या लग रहा था आपको, बातचीत उन लोगों का किस तरह का था? वो न मैथिली बोल रहे थे, हिंदी बोल रहा था, हम CBI हैं, हिंदी से बात करता था, मैं CBI हूँ, तुम्हारे घर में पिस्तौल सब है, चेक करूंगा, पिस्तौल सब है, चेक करूंगा, हम बोले तुम CBI है, तुम स्टडीगंज में CBI आया है, तभी वो तो मुंह बंद कर दिया मेरा, बोलता है आपके साथ कोई मारपीट भी हुई है? वही बोले दो बार तो दो थप्पड़ दिया। अच्छा, उमर कितनी रही होगी उन लोगों की? अनुमान 30 से 40 के बीच में, सब नौजवान, 35 हो 36 हो 35 हो। कोई ऐसा व्यक्ति था इसमें जिसका चेहरा दिखा हुआ हो? देखिए, चेहरा तो खुला नहीं था, सबका एज लगा हुआ था, मगर देखेंगे कभी भाई समझो तो पहचान में आ जाएगा, ऐसा है। वैसे तो रात में मुंह पे टॉर्च मार, वो लोग बात कर रहे थे हिंदी में? हाँ, सब हिंदी में, मैथिली कोई नहीं बोल रहा था, सब हिंदी बोल रहा था।
आपके कुछ परिजन जैसे मम्मी पापा के बारे में बता रहे हैं कि लोगों को देर से पता चला, वो लोग इस साइड थे घर में, वो एंट्री किया, उसको लगा कि यही घर है, ये दरवाजा है, तो उसको एंट्री नहीं पता लगा, पता लगता तो उसको भी खुलवाता खुलवाता जब बंदूक के नो भाभी का। अच्छा, सामान क्या सब ले गए होंगे डकैत अपने? वो मेरा मोबाइल ले गया, भाभी का मोबाइल ले गया, भाभी का गहना था वो कान में नाक में जो होता है वो ले गया, बच्चे का वो मट्ठा मुट्ठी वही सब ले गया, बाकी मिला ही नहीं। हाँ, मतलब वही टोटल ले गया भाभी का टोटल। आप अपना नाम बताएं? चंदन कुमार झा। लगभग आधा घंटा डकैती के बाद अपराधी एक एक कर घर के पिछले रास्ते से ही भाग निकले। गृहस्वामी भागीरथ झा ने बताया, रात में बटवा हमारा हल्ला किया, माँ उसका घर बाहर से बंद कर दी हुआ था, उसके बाद उसको खोला तो खोलने के बाद वही बताया तो रात में जो घटना हुई भीतरे हुई, हम दरवाजे वाले घर पर थे और उसके बाद तो हम उठे हैं तो वही सब तो सुनाया तो सुने जैसे जैसे सबके साथ घटना हुई। मतलब घटना जिस क्रम में हुई थी उसकी आपको भनक नहीं लगी? नहीं, घटना होने के बाद आपको पता चला? बाद में जब चला गया था वो तो जब वो घर में बंद करके उसके बाद। अच्छा, 2014 में आपके यहाँ एक बार और डकैती हो चुकी है, 2023 में फिर उसी तरह की डकैती की पुनरावृत्ति हुई है, क्या लगता है आपको किसी के निशाने पर हैं? ये तो हम नहीं बता रहे तो उसके पेट में क्या बात है, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है, उस बार भी हम यही कहे थे अभी भी यही कहे जी, उसके अंदर क्या है छुपा हुआ हमसे क्या कुछ नहीं है। अच्छा, पुलिस प्रशासन के की जो सजगता बताई जा रही है उस पर आपका क्या कहना है कि पुलिस क्या वास्तव में जिस तरह की बात कही जा रही है उस तरह से पुलिस ड्यूटी कर रही है? पुलिस की ड्यूटी तो इधर नहीं होती है लेकिन चौकीदार वगैरह तो आते हैं इसमें तो। कल आए थे? हाँ, कल भी आए थे, 12 बजे तक आते हैं, 12 बजे के बाद चले जाते हैं। आप घटना 12 बजे के बाद हुई? घटना लगभग कितने बजे की है? करीब हमको लगा है 12:30 के बाद हुई है, 1 बजे में हुई होगी, इसलिए जो चूँकि 1 बजे तक तो लोग करके चला गया था तब ना उसको उठा तो हम 1:38 में तो हम फोन किए तो यही है 1:30 बजे में। अच्छा, आप थाना को फ़ोन किए उसके कितने देर के बाद थाना यहाँ पर पहुँची थी? थाना को हम फोन डायरेक्ट नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं था, तो हम इनको किए थे नरेंद्र झा को, उनको वही वहाँ से उन लोगों को कवर किया, उसके बाद चौकीदार सब भी था उधर, पति वाला सब था गाँव में, उधर से आया सब हुआ। अच्छा, लगभग कितने क्या सामान ले गए होंगे डकैत अपने साथ यहाँ से या नकद वगैरह? कितना का देखिए, दो 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 मोबाइलें ले गया दोनों का जी, उसके अलावा बाद मैंने हमारे पुतोह के पास तो कुछ था सब ले गया, और चीज तो ले नहीं गया है, तो वही जो हो अब 1 लाख का होगी जितना का हो। अच्छा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आप प्रशासन से? अब देखिए, हमको हमारा तो जो चला गया तो चला ही गया है, प्रशासन से यही करेंगे जो मैंने क्राइम जितना बढ़ रहा है इलाके में उस क्राइम को कंट्रोल करने की इन लोगों की जवाबदेही जो करना चाहिए जी है, नहीं तो फिर हमारे साथ जो घटना हुई दूसरे साथ भी होगी तीसरे साथ भी, लगातार जिस तरह की घटना यहाँ होती रहती है, तो उधर में भी हमारे साथ हुआ था, अभी 23 में हो रहा है, तो यह सामाजिक तत्व उनके द्वारा ही किया जाता है, तत्व सब यहाँ पर अपना है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए, यही हमारा कहना है। डकैती की घटना के दौरान डकैतों ने सबसे पहले गृहस्वामी के पुत्र चंदन झा को पिस्टल के दम पर बंधक बनाकर शोर नहीं मचाने की धमकी देकर अन्य कमरों को खोलने को कहा, फिर उनकी भाभी के कमरे में घुसकर पहले उनके हाथ से कान व नाक के गहने उतरवा लिए, फिर गोदरेज खोलकर मंगलसूत्र व अन्य गहनों सहित आराम से लूटपाट की। कितने बजे की घटना है? अच्छा, आपके रूम में भी कितने की संख्या में आए थे अपराधी? मेरे रूम में 9 लोगों की संख्या थी, 9 लोग से आए थे। सभी 9 लोग आ गए थे? हाँ, सारे एक बार नहीं आए। अच्छा, थोड़ा घटना के बारे में बताएंगे? जब वो 9 लोग आए थे तो इस बारे में पता तो नहीं था, मगर जैसे छोटे वाले देवर ने आवाज़ लगाई जिनका नाम चंदन है, उन्होंने आवाज़ लगाई भाभी भाभी 3-4 बार आवाज़ आई, तो मैंने सोचा शायद पता नहीं क्या है, कभी तो आवाज़ लगाते नहीं, रात को शायद हो गया और तबीयत वबीयत खराब, इस वजह से जैसे ही गेट खोला तो सारे के सारे अंदर आ गए, अंदर आते ही उन्होंने कहा कुछ बोलना नहीं है, हम जो करें हम CBI की तरफ से आए हैं और बस वो तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे, रिवॉल्वर यहाँ पे शायद छुपा हुआ है वही देख रहे हैं। फिर मैंने कहा ये तो CBI तो इस तरह से छापा नहीं देता जैसे आप लोग आए हैं, तो उन्होंने कहा ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वो रिवॉल्वर जो है वो देवर जी के सिर पर लगा कर बोल दिए कि अगर ज़्यादा बोलोगे वो कुछ ऐसे धमकाने लगे, फिर इस तरह से फिर मैं चुप हो गई, डर के मारे कहीं वो रिवॉल्वर ना छोड़ दो ऐसा।
अच्छा, उसके बाद चाबी ले लिए आपसे, चाबी लाओ? गोदरेज खुला ही हुआ था। अच्छा, खुला ही था, लेकिन व्यवहार से जैसा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग ज्यादा उतावले थे, एकदम आराम से शांति से उन्होंने काम को अंजाम दिया। अगर वो मारपीट भी करते, हम लोग कुछ बोलते तो उन्होंने पहले ही कह दिया था अगर आप लोग शांत हो जाओगे एकदम चुप रहो, नहीं तो हम लोग फिर यहाँ पे रिवॉल्वर दिखाने, वो डंडा होगा उनके हाथ में था, कुल्हाड़ी वगैरह थी, उनके डर के बारे हम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, आपके क्या क्या गहने ले गए हैं? एक रिंग है, मंगलसूत्र है। बाकी गोदरेज में कुछ नहीं मिला? गोदरेज में से ही मिला गया। अच्छा, रिंग तो सिर्फ इसमें से, मंगलसूत्र गोदरेज में था। अच्छा, उसके अलावा भी और कोई सामान आपका कीमती ले गए हैं? बच्चों का जो कड़ा वगैरह होता है। अच्छा अच्छा, वो लोग पहने क्या हुए थे? टी शर्ट था, नीचे से चड्डी दिख रही थी, और वो जो शायद टॉवल टाइप का जो लगा रख बांधे थे ना, शायद उसी में वो सारा सामान रखे गए। अच्छा, पीठ के पीछे वो लोग कमर पे कुछ लटकाए हुए से रहते हैं, वैसा था क्या? वैसा भी था। उसी में मतलब सामान वगैरह रख रहे थे? वैसा भी था, कुछ बंधा हुआ था पीठ पे। घर की लाइट जल नहीं रही थी, इस वजह से कुछ कंफर्म ज्यादा कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे टॉर्च ज्यादा दिखा रहा था। कितने देर तक लगभग ये तांडव चला? घर में तो कम से कम 9 आदमी तो 10 मिनट में ही उन्होंने कर रहा था, मेरी नींद खुली नहीं थी, पता नहीं रहा, क्योंकि बहुत आराम आराम से कर रहे थे तो पता ही नहीं रहा। अच्छा, घटना को अंजाम देने के बाद वापस किस रास्ते से वो लोग गए? वो पीछे वाला गेट जो है ना, वो जो बाथरूम साइड से है, उसी साइड से। अच्छा, वो लोग जो आपस में बात कर रहे थे तो कुछ बोल भी रहे थे? नहीं, वो बार बार पूछ रहे थे, मेरे मायके के बारे में भी पूछा, आपका मायका कहाँ है? फिर मैंने कहा दिल्ली है, तो उन्होंने कहा कि हस्बैंड क्या करते हैं? मैंने कहा वो तभी फिलहाल 2 महीने पहले गए हैं यहाँ से। फिर उन्होंने आया कहा कि सास है ना, तो डर के मारे मैंने सीधा ऐसा कहता है कि नहीं ससुर, फिर मेरे मुँह से निकल गया पटना है, बस यही सब जान के। और उन्होंने कहा कि इसका हाथ पैर बांध दो, मैंने कहा नहीं, हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं, आप लोग जो देखना चाहते हो देख लो और यहाँ से चले जाओ शांति से। तो उन्होंने कहा, जो नहीं दूसरा वाला बंदा था वो कह रहे थे नहीं नहीं बात पर विश्वास मत करो, इनका हाथ पहले बांधो क्योंकि ये सब ज़्यादा शोर मचाएगी। क्या क्या? अगर इनका हाथ नहीं बांधोगे तो गेट खोल के ज़्यादा शोर मचाएगी, नहीं तो यहाँ हो सकता है हम लोग आगे सिगरेट बंद करते घर में से चिल्ला गए। फिर हमने कहा कि नहीं नहीं मैं यहाँ से चिल्लाऊंगी नहीं। तो फिर दूसरे वाले जो वहाँ जो ये सब कुछ ले रहा था उन्होंने, उसने कहा चलो छोड़ दिया, कुछ नहीं बोलेगी, जाके गेट बंद करके बाहर निकल गया। जो गेट बंद करके सिर्फ इतना कहा कि शोर मत मचाना, बिल्कुल आवाज़ आनी नहीं चाहिए। अच्छा, इस वजह से जब चंदन जी आवाज़ लगाने लगे जोर जोर से, भाभी गेट खोले, भाभी गेट खोले, इस वजह से मैं नीचे आवाज़ ही नहीं दे पाई, फिर मेरे सांस निकल के आई। अच्छा, और फिर वो जाते वक्त इतना कह के गए, जो वो एक बात बस इम्पोर्टेंट ये बात लगी, जब वो गोदरेज खोल रहे थे तभी उन्होंने कहा जो तुम्हारा पड़ोसी जो है ना बहुत घटिया है, बदतमीज। फिर मैंने कहा जो किस पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हो? उन्होंने नाम नहीं बताया, बस इतना ही कहा, जो क्या कहते हैं बस वो जानने की जरूरत क्या है। अच्छा, तो इतना क्या है तो बोले, तुम्हारा पड़ोसी बहुत घटिया है ये बोले? तुम्हारा पड़ोसी बहुत घटिया है, मुझे लगता है शायद उनको कुछ नहीं मिला था, जिस वजह से कह रहे या क्या किस वजह से आए थे। ठीक।